नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। घर से निकलने से पहले अगर आप आज का पेट्रोल और डीजल का ताज़ा रेट जान लेंगे तो आसानी होगी। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज भी कोई बदलाव नहीं देखा गया है और ये लगातार 2 महीने पूरे हो गए हैं जब देश में वाहन ईंधन का दाम सस्ता या महंगा हुआ हो। इससे पहले 21 मई को सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, जिसके बाद 22 मई को फ्यूल के दाम में गिरावट देखी गई थी। वहीं आपको बता दें, आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $100 के नीचे फिसल गया है और WTI क्रूड $96.39 प्रति बैरल पर दिखाई दे रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड आज $104.1 प्रति बैरल पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार आने के बाद 14 जुलाई को राज्य सरकार ने पेट्रोल पर ₹5 और डीजल पर ₹3 की एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। इसके बाद मुंबई सहित महाराष्ट्र के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ। मुंबई में जो पेट्रोल ₹111.35 प्रति लीटर पर मिल रहा था, वो इस कटौती के बाद ₹106.31 प्रति लीटर पर आ गया। वहीं आपको बता दें, दिल्ली मुंबई सहित 4 महानगरों में ईंधन के दाम, दिल्ली में आज पेट्रोल ₹96.72 प्रति लीटर और डीजल ₹89.62 प्रति लीटर। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹106.31 और डीजल की कीमत ₹94.27 प्रति लीटर है। वहीं बात करें चेन्नई की, चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63 और डीजल ₹94.24 प्रति लीटर पर बना हुआ है। इसी के साथ कोलकाता में पेट्रोल ₹106.3 और डीजल ₹92.76 पर स्थिर है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए इन खबर के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।